अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे शख्सियत के बारे में लबकुशाई करना चाहती हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाने में बखूबी अपना किरदार अदा किया है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। गुज़िश्ता है चंद सदियों में हिंदुस्तान में जिन अहम शख्सियतों ने जन्म लिया है उनमें एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी है। उनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन साहब एक सूफ़ी जय्यद आलिम थे। मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1808 मक्का मुअज़्ज़मा में हुई, इसलिए उनकी मादरी ज़बान अरबी थी। उन्होंने घर पर ही उर्दू अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। 4 साल की उम्र में वो अपने कुंबे के साथ कलकत्ता आ गए और तवील मुद्दत तक वहीं मुकीम रहे। अस्सलामु अलैकुम।